place where they told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this spacey. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. Okay, chalo yahan se kuch bhaiya cake to kha lo. Hey guys, welcome back to our channel. कैसे हैं आप लोग? I hope you all are great well and हम सभी बहुत अच्छे हैं. तो अभी रात के 12:15 बज रहे थे, यानी 11:45 या 50 हो रहे थे, और हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे भाई का बर्थडे रवि का. और क्योंकि इसका जो बर्थडे वैसे तो 12 अक्टूबर को है, लेकिन 12 बजे के बाद तो 12 अक्टूबर ही हो जाता है ना, इस वजह से हम एक रात पहले इसका जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. क्योंकि 12 अक्टूबर को इसको भी कुछ काम था, और मम्मी पापा की ना ट्रेन है, मतलब मम्मी पापा जा रहे हैं गांव नवरात्रों में, तो इस वजह से हमने सोचा इसका जो बर्थडे एक दिन पहले ही सेलिब्रेट कर लेते हैं. और इसने अपना पूरा पार्टी वार्टी हम लोग को दे दिया, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, डिनर हम लोग का हो गया है, और बस हम वेट कर रहे थे कब 12 बजे इसका हम बर्थडे सेलिब्रेट कर ले और केक कट कर ले. तो स्टार्टिंग में देखा होगा आप लोगों ने कि शुग्गू और आदि ना ऐसी मतलब बदमाशी कर रहे थे, इस वजह से भाई ने डांट दिया था. और इतनी सी बात पे वो जो गया है ना पिनक के कि मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं केक कट करवाना, और ये बेचारा वेट करे, इसकी कैंडल भी बुझ गई थी, और बस ये सब आ गए इसको मनाने के लिए कि चलो, क्योंकि बच्चों के बिना ना केक कट करने में मज़ा नहीं आता है. और यहाँ पे ये नाराज होके बैठ गया कि मुझे डांटा क्यों, ये गया था क्योंकि ये भी ना बहुत रात हो गई थी और तब तक ये बच्चे जग रहे थे कि हम केक कट करेंगे चाचू का. शुग्गू भी बैठी थी कि मामू आज केक कट करेगा तो मैं देखूंगी, और क्योंकि ये उदास हो गया इस वजह से शुग्गू भी उदास हो गई है. बेटू सब देखेंगे, सब बोलेंगे तो गलत हो गया. ब्लॉग बना रही हूँ मैं, सब सबको पता चल जाएगा कि आदित्य रूठ गया था. A few moments later. लग गया मेरा काम पर. एक ही इंसान है इन सब के चे. खेल गए मम्मी, मम्मी खेल गए. फोटो ना, फोटो फोटो नहीं, मुटा एक बार मारो, एक बार सारा मारा जाएगा उसमें, उड़ जाएगा फिर. अरे जेट बहुत ही खेल देना चाहिए बच्चा, सब ठीक 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 ठीक. गोर लगी सब के जा. वाह दीदी वाह दीदी. नहीं नहीं के नहीं है, खुएल के नहीं है, कुछ गोर लगी सबके. बुआ भी नीसू रखने से बहुत सारा पैसा ले. बुआ तू चेरी हो लो, रवि इधर आओ, चॉकलेट खाओ. अब पहले होली शुरू. होली नहीं हुआ अभी. हैं देखो एक बड़े केक बर्बाद मत कर रहा Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me one.
You don't back ever want to stop me. You know I'm addicted to you. What scene is this? जल्दी जल्दी जा जा भैया खुश हो गए जा 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 बाप ए ऐसा बहन भाई का प्यार कि ओने खेल गए तीनों ने खाए चले आप देखिए खुश रहो हमेशा खुश रहो सब ऐल से खाली हाथ चल हमार गिफ्ट काइल पापा के तिजोरी से निकल ले 100 रुपया नहीं नहीं सर कौन दिलिया 10,000 रुपया मूड ठीक हो गया दोनों का लगभग लो मेरे को भी लगा दो लो 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 देखा तो फेस खेल लो कुछ The next morning. और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे. और जैसे कि मैंने बताया था कि आज की ट्रेन है मम्मी और पापा की, और साथ में बहन भी जा रही थी. तो बस मम्मी बच्चों को दे रही थी कुछ पैसे की चॉकलेट ले लेना, और हम लोग मना कर रहे थे क्यों दे रहे हो. और बच्चे लेकिन छोटे छोटे चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और इतने से पैसों से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे. डांस देखो कैसे कर रही है. और जैसे ही मम्मी पापा की जो ऑटो है निकली, तभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा बच्चों को घुमा देते हैं. और शुक्कू सडनली इतनी तेज की गिर गई थी ना बाहर, जो हमारी सोसाइटी का रोड है वहीं पे. तो डेली शाम को हम नीचे वॉक करने के लिए उतरते हैं, और आज इसने स्लीपर पहन रखा था. और जैसे इसने दौड़ना स्टार्ट किया ना, इसका जो पैड है ना वो अंदर की तरफ मुड़ गया, और इसकी वजह सबसे पहले घुटने के बल गिरी, उसके बाद इसका जो फेस ऐसे नीचे लगा रोड पे, और आंखें ऐसे सूज गया ना इसको, बहुत ज़्यादा चोट लग गया. बच्चे को वैसे थोड़ा बहुत तो लगता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा लग गया, और काफ़ी देर रोई है. उसके बाद आराम से सो गई थी, और इतना बुरा लग रहा था ना, मतलब बच्चे को कुछ होना तो माँ का जो दिल है ना, सही में बहुत दर्द हो रहा था. और यहाँ पे रात हो गई थी, और खाना बनाने का टाइम था. आज मेरा फास्ट भी था, लेकिन मेरा किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा था. फिर मेरे को व्रत खोलने का भी टाइम हो गया था, तो फिर मैंने चाय बनाई, और थोड़े से मैंने ऐसे पापड़ ऐसे जिसमें सब्जी बनाती ना उसी तेल में थोड़ा सा ऐसे सेक लिया, ताकि व्रत खोल के कुछ खा लूँगी, उसके बाद जो खाना है वो बनाऊँगी. तो आज का दिन बहुत गंदा लगा, और इसमें से मैंने ब्लॉगिंग सुबह से भी नहीं किया था, क्योंकि ना आज सुबह से मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो ब्लॉगिंग भी मैंने स्टार्ट नहीं किया था. तो मेरे बच्चे को ऐसे दिखाओ, आइज दिखाओ, ऐसे ऐसे घूमो, उधर घूमो, पूरा सूज गया है मेरा बाबू का, इतना ज़्यादा चोट लगा लेना, बहुत दर्द हो गया. अभी रात में इसको नींद नहीं आ रहा है, और अभी 10 बज गए हैं, और रो ही जा रही है कि मम्मा मुझे नींद नहीं आ रहा है. और आज नींद भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना चोट लगा है ना इसको. कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, घुटने में भी ठीक हो जाएगा. दिखाओ, कैसे गिर गया वैसे आप, क्या कर रहे थे जो गिर गए? मैं दौड़ा तो गिर गया था मुझे. मना करती है ना मम्मा, मत दौड़ा करो ऐसे. पर आप तो फाफ फाफ के जाते थे, मैं देश लगाते साइकिल से. तो रेस क्यों लगा रहे थे, रेस किससे लगा रहे थे, भैया के साथ? बैड हैबिट ना, तभी देखो कैसे गिर गए, कैसे चोट लग गया, पूरा आइस फोड़ लिया, माथा फोड़ लिया, माथे में फोड़ा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे चोट लग गया, यहाँ पे लग गया,
हर जगह लग गया, खाना भी नहीं खाया आज ने। मत टच करो, खाना भी नहीं खाया अभी तक इसने। ठीक हो जाएगा, मेरा गुड बच्चा है, स्ट्रॉन्ग बेबी है राध्या, है ना? आरु 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 आरु। बहुत सोच गया, लेकिन मेरा बच्चा है स्ट्रॉन्ग, जिसको फील नहीं होता है। पर आप हो मेरे खतरनाक मम्मी, छोटी मम्मी। कौन सी मम्मी? छोटी मम्मी। पर कहाँ सीखते हो ये सब चीजें? फोन इन लोग को पता नहीं क्या क्या ना सिखा। तो अभी गुड नाइट कर दो, बाय बाय पुट्टू मारे। वन आवर लेटर। और ये शाम को ना काफ़ी देर तक सो गई थी, मतलब ये 9 बजे उठी ही थी, तो उसको नींद कहाँ से आएगा? और उसने खाना भी नहीं खाया, सिर्फ एक ग्लास दूध पी के सो गई दोबारा। मतलब हम दोबारा आगे सोने थे, इस वजह से इसको भी लेके आ गए, और इसको नींद ही नहीं आ रही, और पूरी रात इसने परेशान किया। वैसे मैं बहुत लेट सोती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या था कि बेड पे जाते ही मुझे इतनी गंदी वाली नींद आ गई ना। शायद फास्ट में था, और दिन में भी नहीं सोई थी, क्योंकि आज मैं पूरे दिन बिजी थी, मुझे एक ब्लाउज रेडी करना था उस चक्कर में। और मैं जैसे ही सो गई ना, उसके बाद फिर से इसने उठा दिया, और अभी आई थिंक 11:30 बज रहे थे कि मम्मा उठ जाओ, मेरे को नींद नहीं आ रही है। फिर मैं इसको गोद में लेके बैठ गई, और मुझे है बीमारी, अगर मेरा एक बार आँख खुल गया ना, मुझे किसी ने उठा दिया, तो मुझे नींद नहीं आती, मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। लेकिन इसको भी सुलाना था, इसको दर्द हो रहा था, इसको नींद नहीं आ रही थी, तो बहुत मुश्किल के बाद ये सोई। आई थिंक 12 या 12:30 बज गए थे, या 1 बज गया था, पता नहीं मुझे इतना टाइम।